वेलकम फ्रेंड्स टू डिवाइन रेसिपीज़। और आज हम बनाने वाले हैं बटर गार्लिक नान। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बटर गार्लिक नान बनेगी आपकी, और देखिए कितनी सॉफ्ट बनेगी ये। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कैसी बनी। इसके लिए हम पहले एक बोल में मैदा लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बोल मैदा लिया हुआ है, उसमें एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, इसे अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी ये आपकी नान, और बहुत ही इजी सिंपल वे में बनेगी। तो इसे आप घर पे ज़रूर बनाइए। अच्छे से हमें मिक्स करना है बेकिंग सोडा को। अब यहाँ पे हम ऑयल ऐड करेंगे। दो बड़े चम्मच ऑयल लिए मैंने, और दही लिया हुआ है मैंने एक टेबलस्पून जितना। पाउडर शुगर ऐड किया है। सब कुछ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम जो है दूध से ये आटे को मारेंगे। नॉर्मल दूध है ये, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, ना ठंडा ना गर्म। नान जो है काफी सारी सब्जियों के साथ अच्छी लगती है। पनीर की कोई सब्जी हो गई, या कोई भी आप जैसे कोई भी मसाले वाली सब्जी बनाते हैं तो उसके साथ भी नान अच्छी लगती है। थोड़ा सा और दूध लूंगी मैं। इसके आटे को हमें ना ज्यादा ढीला रखना है, ना बहुत कड़क बनाना है। अच्छे से इसको हमें मसल लेंगे, ऊपर से तेल डाल के उसको हम रख देंगे। इसको कम से कम मैंने यहाँ पे आधे घंटे के लिए रखने वाली हूँ मैं। आधा घंटा हो गया है, अभी हम ये नान को बेलेंगे। थोड़ा सा आटा डाला है मैंने, लोई बना के उसको अच्छे से बेल लेंगे। बस इतना ही हम इसे बेलेंगे अभी। अब हम ऊपर से जो है मैंने गार्लिक को क्रश कर लिया है। गार्लिक को क्रश करके हमें ऊपर से अच्छे से उसे लगाना है। थोड़ी सी धनिया भी ऐड करेंगे हम इसमें। बिल्कुल थोड़ा सा आटा और डाल के अब हम इसको पहले फ्रंट साइड बेल लेंगे। हमारी धनिया और गार्लिक जो है अच्छे से उसमें मिल जाएंगे। अब हम उसको पलट के बेलेंगे। अब हम इसमें पानी लगाएंगे पूरा, अच्छे से कोने कोने तक पानी आप लगाइए, अच्छे से लगाइए। तवे पे डाल देंगे, जहां पानी लगाया उस साइड से। थर्टी सेकेंड्स तक हमें तवे पे ही इसे पकाना है। फिर इस तरह से हम गैस पे उसे तवे को उल्टा करके पकाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल से बनेगा।
अगर आपकी नान बराबर नहीं लगी है पानी से तो उसे आप ऐसे तवीते से पकड़ के भी कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका और बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये। इसी तरह से हम सारी नान बना लेंगे। ऊपर से अब हम बटर लगाएंगे इसमें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल रेसिपी की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वो भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए बहुत ही सॉफ्ट रेस्टोरेंट स्टाइल नान बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।